आप लोग को तो पता ही होगा, हमारे शरीर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा चलता रहता है। नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स डेड होते रहते हैं। तो जो विटामिन और मिनरल्स इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये जो बीकाडेक्सिन कैप्सूल है, ये दुनिया का सबसे सस्ता कैप्सूल है और इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कैप्सूल है, बिकॉज इसके अंदर इतने सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो आपकी सारी कमियों को पूरा करते हैं, आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस कैप्सूल को लेने से इतने सारे फायदे होते हैं, किस तरह से आपको लेना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो आप पूरी देखते रहिए, मैं विस्तार से इसके बारे में आपको बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप वीडियो की भावनाओं में खो ना जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। बीकाडेक्सिन एक हेल्थ सप्लीमेंट है। जो लोग भी कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन लोगों को मल्टीविटामिन के तौर पे इसे जरूर ले सकते हैं। उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है मल्टीविटामिन की कंपेयर टू जो लोग नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं, जो लोग ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करते, एक्टिव नहीं है अपनी लाइफ में, सिर्फ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का ही काम करते हैं, थोड़ी बहुत वॉकिंग वगैरह कर लेते हैं। तो उन लोग से ज़्यादा ज़रूरत उन लोग को है जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और ये बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे प्रॉब्लम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये बहुत सारे विटामिन की कमी को पूरा करता है। इसमें विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6 ऐसे बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। साथ में इसमें आपको कॉपर सल्फेट, साथ में इसमें आपको पोटेशियम भी पाया जाता है। ख़ास तौर से गर्मी और बरसात के मौसम में तो लोगों को ज़्यादा से स्किन से रिलेटेड समस्या हो जाती है, दांत खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी वगैरह, तो उसके टाइम पे इसे लेने से वो सबसे बचा जा सकता है। साथ में आपको इसमें एक मैग्नीशियम पाया जाता है जो आपके जो ब्लड के अंदर कैल्शियम होती है उसका जो स्तर होता है उसको ये बनाए रखता है। इसमें आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ में आपके आँखों में जो भी प्रॉब्लम आती है आँखों से जुड़ी हुई उससे भी आपको बचाता है। आपके जो प्रोटीन के जो कंजप्शन होता है आपके बॉडी के अंदर उसको ये बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को, और साथ में आपका जो वसा में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है जो बढ़ जाता है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फोलिक एसिड की कमी को पूरा करता है। जिन लोग को माइंड से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो वो इसे लेके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर जो वुमेंस प्रेगनेंसी के दौरान जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम आ जाती है, खून की कमी होती है, तो वो लोग भी इसे ले सकते हैं। और ये अगर आपको कोई एकाग्रता की ज़रूरत है, आपको किसी काम करने में आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। बीकाडेक्सिन के बारे में मैंने आपको बहुत सारे फायदे बता दिए हैं, बट मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर हूँ। तो जिम ट्रेनर होने की वजह से मुझे बहुत सारे दवाइयों के बारे में, मल्टीविटामिन के बारे में जानकारी होती है जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो आप डॉक्टर ना बने प्लीज़, अगर आप कुछ सर्जरी होने वाली है, कोई अदर मेडिसिन चल रही है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले आपके डॉक्टर से आप पूछ रहे हैं, उसके बाद ही आप इसे खरीदें। और इसे वैसे तो दिन में दो बार आप ले सकते हैं, नाश्ते के बाद सुबह और शाम को भी इसे एक बार ले सकते हैं, बट डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितनी बार लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल है बिल्कुल तो आप इसे ले सकते हैं बिना डॉक्टर से पूछे भी, बट अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है हेल्थ से जुड़ी हुई, कोई अदर मेडिसिन चल रही है, तो इसे बिना पूछे आप बिल्कुल भी ना लें। बेकाडेक्सिन की अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसे अगर आप बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, तो आपको सिर में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, भूख की कमी हो सकती है, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं सलाह देना चाहूँगा अगर आप इसे लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद फिर ब्रेक ले लें 1 महीने का, उसके बाद फिर आप दोबारा इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से तुरंत आप मिल के बात कर लें। और इसके कीमत की बात की जाए तो सिर्फ 3500 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाता है। पहले तो 28-29 में मिल जाता था, बट अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई, इसलिए इसका थोड़ा सा रेट भी बढ़ गया है। तो ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो आते रहते हैं जो आपके स्वास्थ्य को और अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।